भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इस फैसले के बाद पूरे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह बंद हो गया है। बस से लेकर ट्रेन, हवाई जहाज से लेकर ऑटो, टैक्सी, सबके पहिए थम गए हैं। ऐसे में कई जगहों से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल लॉकडाउन के चलते राजस्थान का एक कोल्ड स्टोर बंद होगा, जिसके बाद वहां काम करने वाले 14 मजदूरों ने अपने घर बिहार लौटने का फैसला किया और उन्हें कोई वाहन नहीं मिला, इसलिए वो राजस्थान से बिहार का सफर पैदल ही तय कर रहे हैं। 3 दिनों तक लगातार चलने के बाद वो सिर्फ आगरा पहुंचे। इस दौरान सड़क पर भूख और प्यास की वजह से उनकी हालत बेहद खराब हो गई। ऐसा ही कुछ गुजरात में भी देखने को मिला। लॉकडाउन के बाद गुजरात में काम करने वाले राजस्थान के हजारों मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। गुजरात में काम करने वाले मजदूर बसें बंद होने के बावजूद पैदल ही अपने घर राजस्थान के लिए निकल पड़े हैं। कुछ लोग साइकिलों से गुजरात से राजस्थान का सफर तय कर रहे हैं। गुजरात में काम करने वाले मजदूर कहते हैं कि सारे काम धंधे बंद हैं, चूल्हे नहीं जल रहे, घर लौटने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए पैदल ही चल पड़े हैं। न्यूज़ डेस्क।